चिटफंड घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची। मौके पर कोलकाता पुलिस के दो डीसीपी मौजूद हैं। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई से वारंट मांगा और पुलिस अफसरों ने सीबीआई टीम को अंदर जाने से रोका। बाद में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को हिरासत में ले लिया है। मामले को लेकर सीबीआई शेक्सपियर सरनी थाने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रान ने कहा कि सीबीआई के 40 अफसरों ने घर को घेर रखा है। सीबीआई का कहना है कि हमें जांच करने से रोका गया, मामले में जांच जरूरी है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि वह सीबीआई की तरफ से जारी नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल राजीव कुमार ने चिटफंड घोटालों की जांच करने वाली पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का नेतृत्व किया था। वह पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने रविवार को ट्वीट में लिखा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर दुनिया में सबसे अच्छे लोगों में से हैं। उनकी ईमानदारी, बहादुरी और ईमानदारी निर्विवाद है। वह 24 काम कर रहे हैं और हाल ही में केवल एक दिन के लिए छुट्टी पर थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी पुलिस और अन्य सभी संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वह पिछले 3 दिनों से लापता हैं। उनके मोबाइल नंबर पर फोन करने पर वह फोन नहीं उठा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बांग्ला फिल्म निर्माता श्रीकांत मोहता की गिरफ्तारी के बाद से ही राजीव कुमार को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक राजीव कुमार को कुछ दिन पहले एक बुक फेयर में देखा गया था। उन्हें 2016 में कोलकाता का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था।